तो हेलो फ्रेंड्स, मैं गोपाल वर्मा, मंसूर इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश मंसूर से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू भी और क्लिनिकल पर्पसेस से भी। और पहले मैं चाहूँगा कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर, हमारे चैनल को आयुर्वेद फॉर्मुलेशन को भी आप सब्सक्राइब करें फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए, या फिर अदर सब्जेक्ट के लिए भी आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। टेलीग्राम पर भी हमारा चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। प्लस साथ में आप यूट्यूब चैनल पर भी हमारे साथ जुड़े रहिए, बेल आइकन को वो टोन कर दें, कैसे भी टोन करें। साथ में आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ, वात के सामान्य कर्म। ठीक है, वात को जानते होंगे आप, आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं, वात पित्त कफ आपकी ज़िंदगी है और सबसे ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू है। और इसके ऊपर मैं अपना एक जो है जो लाइफ में पार्टनरिंग है, जब भी हमने मैंने भी खुद ने भी अपना जो BMS जब भी मैंने स्टार्ट किया था, हमारे जो सर हैं डॉक्टर रिस्पेक्टेड दीपक यादव सर, उन्होंने इसको पढ़ाते पढ़ाते यही कहते थे हर एक श्लोक में कि उसको कैसे याद करना है, कैसे वो क्लिनिकल पर्पसेस से हमको याद कराते थे कि ये जो है ये आपको इतनी मनिंग और इतना मतलब नॉलेजेबल है कि अब इस सही सारा ट्रीटमेंट कर दोगे। तो मैं आपको यही कहूँगा कि इस श्लोक को आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो 2 लाइन का श्लोक है, 3 लाइन का श्लोक है मिनिमम ही। और अष्टांग हृदय एक ऐसी बुक है जिससे कई जो स्कॉलर्स हैं, कई मेरे रिस्पेक्टेड सर हैं और आयुर्वेद जगत में इतने लोग हैं कि जो इसके प्रति इतने उत्साहित हैं और इससे ही सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आप सोचोगे कि इतने से 3 लाइन के श्लोक से क्या प्रैक्टिस होगी, तो वही मैं हूँ। इसीलिए हम क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन कि कैसे हम समझें, कैसे हम यूट्यूब के माध्यम से समझें आयुर्वेद के प्रति कि एक फर्दर 3 लाइन के श्लोक से आप किसे प्रेजेंटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो पहले इसका यदि मीनिंग समझ लिया, बात के बारे में सारी जानकारी ले ली, कैसे उसका गुण है, क्या उसकी उत्पत्ति है, क्या उसका सामान्य प्रकृति कैसी होती है, पहले वो समझना जरूरी है। यदि प्रकृति समझ ली, कोई पेशेंट आया है उसके अंदर आप बैठोगे, वो बैठेगा आपके साइड में, उसके सारे सारे उसके ये जितने भी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे वो समझें। ठीक है, अभी एक स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि सर जल्दी से बता दीजिए कि कैसे आप श्लोक याद करें, क्योंकि फर्दर आपको श्लोक लिखना भी है, श्लोक याद करना है, क्योंकि मैं चाहूँगा कि आपको पूरे मार्क्स मिले। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ आइए, हम पहले श्लोक को टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। ठीक है, तम चलह उत्साह के बाद में फिर एक डैश लगाइएगा, श्लोक आपके पास होगा, अष्टो दश अध्याय अष्टांग हृदय का जो श्लोक है, दोषादि विज्ञानी अध्याय से हम पढ़ रहे हैं, पहला सेकेंड श्लोक है ये। ठीक है, पहला श्लोक है, उसके बाद वात के सामान्य कर्म, फर्दर वीडियो में पित्त और कफ के बही देखेंगे। पर यहाँ पर आप क्लियर हो जाइएगा कि आपको सबसे पहले श्लोका याद करना है, मीनिंग में याद करवा दूंगा, श्लोका याद करो, मीनिंग में याद करूँगा। ठीक है, आप तम चला उत्साह इतना याद करें। ठीक है, पहले साथ में बुक रखें, पेन रखें, प्लस कैसे उसको पढ़ना है वो याद रखें, 1, 2, 3, 4, 5 बार याद रखेंगे। अगली बार पेशेंट देख कर समझना है ये प्रकृति, ये सामान्य कर्म है, ये पित्त के साथ है और ये कफ के साथ है और ये वात का है और ये वात के सामान्य कर्म है और ये सामान्य कर्म नहीं है, इसमें यह ट्रीटमेंट आएगा, ट्रीटमेंट हम फर्दर क्लासेज में पढ़ेंगे। प्लस अभी आप सामान्य कर्म ही समझें कि क्या होगा, पर आपकी डे टू डे लाइफ में जो सामान्य व्यक्ति आपके साथ रह रहा है, यूट्यूब देखते देखते भी आपके पास कोई बैठा है और ये आपके अंदर उसके अंदर गुण है, पर ये गुण नहीं है, नहीं वाले गुण विकृत जो है वो मैं बताऊंगा, पहले आप अविकृत समझो। पहले आप श्लोक को डिवाइड कर लें, कैसे पढ़ना है आपको, कैसे याद करना है। तम चला उत्साह के बाद देश लगा के उच्छ्वास, फिर देश लगा के निश्वास, चेष्टा वेग प्रवर्तन है, सबको अलग अलग कर लें। समगत्या, यहाँ पर यह साथ में है कि समगति वाले, ठीक है, यहाँ पर आप समगति नहीं समगत्या ही साथ में पढ़ लो, कोई अलग करने की जरूरत नहीं। धातु नाम, ना के बाद में म आपको आधा करके डैश लगाते, फिर उसको क्या कर दे, अक्षरनाम कर दे, अ और छ और नाम अ आएगा वहाँ पर, क्योंकि वो दोनों को जोड़ के संधि विच्छेद करके दे दिया है आचार्यों ने। ठीक है, पाटवेन च, ठीक है, अगला आएगा अनुग्रहणीयात, ठीक है, ग्रहणीयात, उसके बाद अविकृत, ठीक है, अविकृत, अविकृत पढ़ना पड़ेगा उसको, क्योंकि यहाँ पर अविकृत वायु मतलब नॉर्मल वायु की बात कर रहे हैं, विकृत मतलब एबनॉर्मल, विकृत वायु के कर्म भी हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। स्टूडेंट इतना समझ में आया है आपको, आपको उसको पहले श्लोका को डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब हम जाएंगे उसके कैसे याद करना है। ठीक है, एक बार पढ़िए, तम चलो स्वा निश्वास चेष्टा ब्रेक प्रवर्तन है समगत्या तो धातु नाम अक्षा नाम पाठ्य, कोई दिक्कत हुई क्या, अनुग्रहत्य अविकृत। ठीक है,
ठीक है, सॉरी भूल गया था मैं। हाँ, तो इसको एक बार पढ़ा, दो बार पढ़िए, तीन बार पढ़िए, चार बार पढ़िए, एक बार दो बार में आपको मैं बोल रहा हूँ मीनिंग से पहले आपको श्लोका याद आएगा। सेकेंड ईयर में भी आप मैं को सोचोगे और सर को बोलेंगे कि हाँ सर ने ऐसा किया था, और फ्रिक्वेंटली आप उस श्लोका को साथ में बोल दोगे। तो स्टूडेंट अब इसके मीनिंग पर चलते हैं, आई थिंक समझ में आ गया होगा कैसे याद करना, ठीक है। मीनिंग में अच्छा यस, कमेंट आ रहा है कि कैसे क्लिनिकल पर्पसेस में यूज़ करें, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हम शॉर्टली वीडियो में निपटा रहे हैं, इसलिए इसको मैं चाहूँगा कि तो शॉर्टली बढ़े, क्लिनिकल पर्पसेस में आपको फर्दर वीडियो में बताऊँगा। अभी हम इसको सिर्फ क्लास पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं। उत्साह मतलब एंथुसियाज्म, उच्छ्वास निश्वास में आपका आएगा एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन, ठीक है। और चेष्टा वेग प्रवर्तन है ना, चेष्टा मतलब ऑल दी बॉडी एक्टिविटीज़। मैंने आपको बताना शायद है कि आपको पता होगा कि जितने भी धातु है, मल है और दोष है, उन सब का गति कराने का काम कौन करता है, हमारा वात दोष। वात दोष हमारा दोस्त नहीं है, फ्रेंड नहीं है, ये दोष है, दुष्यंती दोषा, जो बॉडी में सामान्य अवस्था में रहेगा तो एक सामान्य काम करेगा, पर ये सामान्य काम करेगा, विकृत अवस्था में तो विकृत, और यदि बड़ा और घटा तो व्याधि और उत्पन्न करेगा, ठीक है, इतना क्लियर रखें। वेग प्रवर्तन है, जितना भी हमारा नेचुरल अर्जेस हैं, ठीक है, स्टूल पास करना, यूरिनेशन करना, ब्लीचिंग करना, ठीक है, छींक करना, स्नीजिंग होना, ये सारे काम वात के होते हैं, ठीक है। अगला समगत्य, तो धातु नाम अक्षा नाम पाठ मैंने जो, ठीक है, सम अनुग्रहणत्य, इतना साथ में रहें। समगत्या मतलब क्या होता है, धातु नाम ये साथ में है, मतलब कि जितनी भी धातु है उनकी सामान्य गति, सम गति में रखना, रस धातु, रक्त धातु, सात धातुएं होती है, मल भी, यहाँ पर सबकी गति रखना, इन द इंग्लिश मीनिंग में समझे तो इक्विलिब्रियम कंटेन करके रखना, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। अगला होगा, क्या होगा अगला, अक्षानाम पाठवेनिच अनुग्रहत्य, जितनी भी सेंस ऑर्गन्स हैं उनको एक मेंटेनेंस में रखना, उनको एक पाठवेनिच मतलब इतनी चतुरता होना उनके अंदर हिंदी में, कि यदि आप एक छोटा सा काम कर रहा हो प्लस साथ में पीछे का भी देखना, आगे का भी देखना, दिस इज द अक्षानाम पाठवेनिच, कि सेंस ऑर्गन्स आपके इतने एक्टिव होने चाहिए कि इधर से कोई गया है तो कान में सुनाना चाहिए और इधर से कोई निकला है तो सुनाना चाहिए, पर कौन गया है स्टेप वाइज, ठीक है। आंखों से भी आपको लिखते लिखते यहाँ पर भी फोकस है कि आपका हाथ चल रहा है, प्लस आप यहाँ से कोई निकला है तो परसेप्शन करें कि कौन गया है, कैसे गया है, वेदर, ठीक है, थोड़ा सा वहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, कोई पेशेंट आया है आपके पास और वो इससे विकृत कर्म बता रहा है, तो आप समझ सकते हो कि ये बात दुष्टि के हैं, यहाँ पर आप उसको सामान्य कर्म नहीं है, बात दोष उसका सामान्य नहीं है, बात दोष जो उसके स्थान है वहाँ से कहीं और हैं, वो आप इजीली उसको परसेप्ट करेंगे, ठीक है। तो फर्दर वीडियो में हम इसके बारे में और समझेंगे, ये वीडियो मैंने सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ही बनाया है, आप इसको दो बार पढ़ेंगे, ठीक है, एक लाइन में कोटिंग करिए, जो वाग्भट है हमारे आचार्य, उनने इसको अनबेटेबली जो है कैसे लिखा है श्लोका फॉर्म में, कि आप इसको पढ़ के याद रख सकें, यही चीज आप चरक और सूत्र में पढ़ेंगे तो इजीली आप उसको कोटिंग नहीं कर पाएंगे कि फ्रिक्वेंटली बोल दें, पर इसको आप दो बार पढ़ोगे, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, आप मेरे साथ रिपीट करें वीडियो देख रहे हैं, तो तम चला उत्साह निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तन है समगत्या धातूनाम अक्षराणाम पाठवेन च अनुग्रहणत्य अविकृता, ठीक है, फिर से एक रिपीट है, तम चला उत्साह निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तन है समगत्यान धातुनाम अक्षानाम पाठवेन च अनुग्रहत्य अविकृता, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े रहें, और फर्दर वीडियोज़ के लिए कमेंट करें कि किस टॉपिक पर वीडियो तैयार करें, ठीक है, थैंक यू।